प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि महामारी के समय राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार, विपक्ष व जनता सभी को एकत्र होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में आगे आना होगा। आम जनता को जहां अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वहीं भाजपा व कांग्रेस को राजनीति से ऊपर उठकर आम जन व पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए आगे आना होगा। धर्मशाला में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने कहा कि कोरोना की फर्स्ट वेव प्रदेश में हो चुकी थी, ऐसे में दूसरी वेव के लिए वर्तमान सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मेडिकल एक्सपर्ट्स की भी बात मानी होती तो आज प्रदेश में ये स्थिति नहीं होती। पठानिया ने आरोप लगाया कि कोरोना से निपटने में प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस कमेटी 26 अप्रैल से गांधी हेल्पलाइन शुरू करने वाली है। इसके लिए प्रदेश में सभी ब्लॉक और जिला स्तरीय कांग्रेस कमेटियां व नेता कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अन्य राज्यों से जो भी लोग आएंगे उन्हें सरकार ने आइसोलेट होने की बात कही है। ऐसे में जिन लोगों के पास अलग रहने की व्यवस्था नहीं है उनके लिए प्रदेश की ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां गांधी हेल्पलाइन के जरिए कार्य करने जा रही हैं। जहां तक कोविड-19 जैसी महामारी आई है तो वर्तमान प्रदेश सरकार जो है वो मैं कहता हूँ, चाहे वो देश का मामला हो प्रदेश का मामला हो, बतौर विपक्ष कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे हमारे प्रदेशाध्यक्ष हों या हमारे नेता विपक्ष अग्निहोत्री जी हों, बार बार वो विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी कहते रहे कि दूसरा स्ट्रेन जो है वो आने वाला है, लेकिन वर्तमान सरकार ने उस चीज़ को मैं कहता हूँ अगर सीरियसली लिया होता तो आज जो हिमाचल प्रदेश की पोजीशन है वो आज हिमाचल प्रदेश की पोजीशन ऐसे नहीं बनती। मैं कहता हूँ ये पहली बार हुआ है, ये तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, जो कि कोविड की लड़ाई से निकलकर आज पिछले कल ही नेगेटिव हुए हैं, और हिमाचल प्रदेश के लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। उनकी जो संवेदनाएँ थी, उनके जो आशीर्वाद था देवी देवताओं का, ये तो शुक्र करो उस समय का एक ऑक्सीजन प्लांट IGMC शिमला में उन्होंने 17 में इस्टेब्लिश कर दिया था। जब ये सब चीज़ें सरकार को पता थी और कोरोना की पहली वेव जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में और देश में घूम चुकी थी, तो व्यवस्था करनी चाहिए थी वर्तमान सरकार को, चाहे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे DDU हो, चाहे नेहर चौक हो, चाहे टांडा हो, चाहे वो धर्मशाला का जोनल हो, चाहे वो मंडी हो, चाहे हमीरपुर। मैं कहता हूँ पूरी तरह वर्तमान सरकार जो है कोविड-19 उन्होंने एक तो सीरियसली लिया, और मैं कहता हूँ बहुत से लोगों की आज जो डेथ जो हो रही है, और अगर सरकार के इंतजाम ठीक होते और इन्होंने अगर मैं कहता हूँ बतौर विपक्ष और मेडिकल एक्सपर्टों की भी अगर बात मानी होती तो आज हिमाचल प्रदेश की पोजीशन ये नहीं होती। गांधी हेल्पलाइन जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने क्या लॉन्च करने जा रहे हैं, पूरी हमारी 70 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियाँ और वहाँ के हमारे जो स्थानीय नेता वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और हमने वो हेल्पलाइन भी जारी की है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।